हेलो भाई, नमस्कार दोस्तों। मैं दीपेश कुमार आप सभी का रेडियो पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एसएससी एमटीएस और उसके साथ इस साल हवलदार का भी पोस्ट ऐड किया गया है। ये हवलदार का पोस्ट है सीबीआईसी और सीबीएन नारकोटिक्स और ए वाला है, इनकम टैक्स वाला है, इसके लिए ऐड किया गया है। तो आज हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं कि फॉर्म कैसे भरा जाएगा। मैं आपको भर के दिखाऊंगा, तो अंत तक इस वीडियो में बने रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये आपके सामने है नोटिस आया था, जो आप नोटिस देख सकते हैं। 22/3 से शुरू हो गया है इसका फॉर्म भरना, 30 अप्रैल तक इसका लास्ट डेट है। और यहाँ पे एग्ज़ाम का डेट निकला हुआ है, जुलाई 2022 में होगा, और Tier 2 का जो एग्ज़ाम होगा बाद में नोटिफाई करा जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे आप वैकेंसी देख लीजिए, एमटीएस की वैकेंसी बाद में इसमें इंक्लूड करा जाएगा। अभी हाल में जो ये आपको दिख रहा है हवलदार का, तो हवलदार का सीट यहाँ पे 3603 है केवल, बाद में ऐड होगा। एमटीएस का जितना सीट बाद में ऐड हो वो बाद में ऐड करने वाला है इसमें। आप यहाँ पे रिजर्वेशन मिलेगा, देख लीजिएगा किस तरह मिलने वाला है। फिर ये सब है डिसेबिलिटी कैंडिडेट, जो डिसेबल होगा उसके लिए ये सब कौन योग है नहीं, ये सब आप देख सकते हैं। फिर ये सब का एबिविएशन है डिसेबिलिटी का, नेशनलिटी ये सब है देख लीजिएगा। फिर हम यहाँ आते हैं एज लिमिट, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि एज होगा कब से काउंट करा जाएगा, तो 1/1/2022 से, 1 जनवरी 2022 से एड काउंट करा जाएगा। अगर आप 18 से 25 साल के कैटेगरी में भरना चाहते हैं तो आपका उम्र होना चाहिए, यानी 2/1/1997 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए और 1/1/2004 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। फिर उसी तरह यहाँ पे देख लीजिए 28 से 27 वाला, आगे देख लीजिए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ देख लिया जाए। फिर यहाँ पे देख लीजिए कि ये क्वालिफिकेशन कब से आपका वैलिड होगा, ये क्रूशियल डेट है कि आपका 30/4/2022 तक जो मैट्रिकुलेशन है वह पास होना चाहिए। बाकी ये सब है कि आपका वहीं दिया हुआ है कि उस 30/4 तक आपका जो भी हो सर्टिफिकेट, मतलब आप पास होना चाहिए आपका। फिर यहाँ पे फॉर्म करेक्शन का जो डेट है ये शुरू होगा 5 मई से 9 मई के बीच तक, यानी कि 5 दिन तक के लिए यह विंडो खुलेगा। इसके बीच में आप मान लीजिएगा आपका कोई फॉर्म गलत हो जा रहा है किसी वजह से, तो आप इसको सुधार कर सकते हैं। पहली बार सुधार करने के लिए आपको 200 रुपये लगेंगे, फिर भी किसी तरह गलती रह जाती है तो दूसरी बार आपको सुधार करना है तो उसके लिए 500 रुपये पे करना होगा। और पैसा आप भीम, UPI, नेट बैंकिंग, वीजा, मास्टर कार्ड, मास्टर रुपये, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सबसे पे कर सकते हैं ऑनलाइन। फिर आगे हम देख लेते हैं कि सिलेक्शन ऑफ स्कीम देख लेते हैं एग्जामिनेशन का। तो ये देख लीजिए आपको इंग्लिश 25 नंबर का आता है, रीजनिंग 25 नंबर का आता है, फिर यहाँ पे मैथ आता है 25 का, और जनरल अवेयरनेस 25 का, यानी कि 100 नंबर का आता है। जो पर्सन विथ डिसेबिलिटी होता है उसके लिए 120 मिनट मिलेगा, और जो नॉर्मल कैंडिडेट है SC ST OBC UR इनको 90 मिनट टाइम मिलता है। पेपर 2 में देख लीजिए क्या क्या पूछता है, शॉर्ट एसे, लेटर, इंग्लिश, एनी लैंग्वेज, जिसमें आपको 8 से 10 उसमें 22 लैंग्वेज आता है, उसमें जो भी होगा उस आप कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट करके उसमें अपना Tier 2 दे सकते हैं। नॉर्मल स्टूडेंट को मिलेंगे 45 मिनट, और जो डिसेबल है उनको मिलेगा 60 मिनट। फिर आगे इसी तरह देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़। ये है फिजिकल स्टैंडर्ड CBIC के लिए, हवलदार के लिए। फिर ये वाला है अलग फिजिकल स्टैंडर्ड, आप लोग देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। फिर आगे हम देखते हैं कि आगे क्या महत्वपूर्ण चीज़ हमको ध्यान रखना है। दोस्तों, ये देख लीजिए यहाँ पे सर्टिफिकेट है, मान लीजिए कि आपको लिखने में असमर्थ हैं एग्जाम में, तो उसके लिए सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। फिर ये है आप मान लीजिए आपको स्क्राइब ले जाना है तो उसके लिए लेटर आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। फिर ये है फॉर्म भरने का ये प्रोसीजर है, तो आपको ये रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। फिर आगे तो यहीं देखते हैं,
ये सब है, इसको हम आपको भर के इसी वीडियो में बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो पहले महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या क्या ये है। सबसे पहले आपको जब आप फॉर्म भरिएगा तो अपना ये स्टेट प्रिफ्रेंस है, तो इसको अच्छा से नोट कर लीजिएगा कि पहले कौन स्टेट रखना है, पहले यूपी रखना है, बिहार रखना है, दिल्ली रखना है, जो भी रखना हो आप इसको सजा लीजिएगा एक एक करके। फिर उसके बाद यहाँ उसको भरना है। मान लीजिए दिया हुआ है खंड कि मान लीजिएगा अगर आपको चार ही स्टेट चूज करना है तो चार यहाँ पर चुन लीजिएगा। फिर उसके बाद सब में कटिस 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 कर दीजिएगा। फिर ये सब होगा, यहाँ पर फोटो किस तरह का डालना है, तो ये है एक्सेप्टेड फोटोग्राफ, मतलब कि आपका फोटो होना चाहिए बिल्कुल ऐसा सीधा विजिबल होना चाहिए, कान आँख नाक मुंह सब कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। देख लीजिए ये सब नहीं चल रहा है वाला, तो आप ऐसा फोटो ना डालिएगा। और इसमें भी फोटो आपको 3 महीने का होना चाहिए, अंदर का पुराना नहीं होना चाहिए 3 महीने से ज़्यादा। फिर ये देख लीजिए ये जो एज रिलैक्सेशन का सर्टिफिकेट, फिर यहाँ पे देख लीजिए डिफेंस सर्विस में जो काम कर रहा है उसके लिए है, और ये है एक सर्विसमैन का अंडरटेकिंग फॉर्म है, ये है SC ST के लिए सर्टिफिकेट फॉर्मेट, फिर यहाँ पे OBC का सर्टिफिकेट फॉर्मेट है, EWS का है। तो EWS आपको पता है कि जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसी के बीच में बनता है, तो आप देख लीजिएगा कि आपका है या नहीं। फिर यहाँ पे डिसेबिलिटी वाला है, ऐसा ही है दोस्तों बहुत से इस सब है। आप लोग जब नोटिस पढ़िएगा तो नोटिस में आपको ये सब मिल जाएगा, ना हो तो हम आपको इसको टेलीग्राम पर डाल देंगे, आप वहाँ से भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। ये देख लीजिए ये है Tier 2 में आपको पेपर देना है, उसके लिए सब भाषा है 23 भाषाएँ हैं, और 23 भाषा में से आप किसी एक को अपने माध्यम बना के एग्ज़ाम दे सकते हैं। मैक्सिमम बच्चे तो यही 2 भाषा में एग्ज़ाम देते हैं, इंग्लिश और हिंदी में। फिर ये देख लीजिए अब ज्यूरिडिक्शन, टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन है CBIC और CA का, तो ये देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे स्टेट प्रिफरेंस कोड है, ये सब तो मैंने अपना सब लिखा है, तो वहीं मैंने मुझे कौन सा स्टेट पहले रखना है सब मैंने अपना लिखा हुआ है। फिर ये देख लीजिए वैकेंसी है, तो स्टेट वाइज यहाँ पे सब वैकेंसी दिया हुआ है। इसमें BH का वैकेंसी नहीं है, BH का एक भी वैकेंसी नहीं है, एक केवल आपको हवलदार का वैकेंसी है। तो ये नोटिस इतना ही है। फिर अब चलिए हम देखते हैं कि फॉर्म कैसे भरा जाएगा। ठीक, तो फॉर्म भरने के लिए आपको अपना गूगल ब्राउजर ओपन करना होगा, उसके बाद आप जाइएगा SSC यहाँ पे टाइप कीजिएगा। SSC टाइप करने के बाद आपको खुलेगा ये होम स्टेट, इसका होम पेज खुलने के बाद आप अगर पहले से आपका है तो आप यहाँ पे डाल दीजिए और पासवर्ड डाल दीजिए। यहाँ पे पासवर्ड पासवर्ड डाल के फिर यहाँ पे कैप्चा डालना होगा और फिर यहाँ पे आप लॉगिन कर लीजिए। अगर पहले से आपका फॉर्म भरा हुआ है और आपके पास रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड है तो आप आसानी से यहाँ पे जाके लॉगिन करके आपका, देखिए मेरा यहाँ पे डैशबोर्ड खुल गया। एक मिनट, एक चीज मैं यहाँ पे कर लूँ, डैशबोर्ड खुल गया है। तो ये डैशबोर्ड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मेरा नाम, यहाँ आपको मेरा नाम दिख रहा होगा। और इसको करना यहाँ है कि आपको यहाँ अप्लाई पर क्लिक करना है। ठीक, तो अप्लाई पर क्लिक करने के लिए आपको जाना कहाँ होगा तो मैं वो भी बता दे रहा हूँ। तो आइए अब हम चलते हैं वहाँ पे, तो यहाँ पे आप अप्लाई पर क्लिक कीजिएगा। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद यदि आपने पहले से फॉर्म भरा होगा तो आपका नाम आएगा यहाँ पे,
यहाँ पे देख लीजिए सब आपका ये सब लिखा होगा पहले से। तो आप यहाँ पे मान लीजिएगा ये सब तो भरना पड़ेगा कि आपका सेंटर कहाँ चाहिए, तो मैं अपने एक पटना कर दे रहा हूँ, फिर एक मुजफ्फरपुर कर दे रहा हूँ, फिर यहाँ पे एक कोई और डाल दे रहा हूँ, कहाँ डालूँ, भागलपुर, भागलपुर डाल दिया। फिर यहाँ पे कह रहा है कि अगर आप ये सब एक सर्विसमैन हैं तो यहाँ पे यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। फिर कह रहा है कि वेदर सफरिंग फ्रॉम सेरेब्रल पाल्सी, अगर ये सब आप सफ़र कर रहे हैं तो लिखिए, क्या स्क्राइब रिक्वायर्ड है, हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। मेरा विजिबिलिटी है, बीएच वाला कैटेगरी है तो मैंने बीएच डाला हुआ है। फिर यहाँ से आगे बढ़िएगा आप, तो यहाँ पे आपको अगर रिलैक्सेशन चाहिए एज के लिए तो आप यहाँ पे यस कीजिए, नहीं तो नो डाल दीजिए। फिर देख लीजिए स्टेट और प्रेफरेंस करना है, तो मैं अपना डाल दे रहा हूँ इसमें मेरा क्या क्या है, तो मैं जल्दी जल्दी डाल दे रहा हूँ। ओके, ये सब हो गया, तो ऐसा ही आपको भी फिलअप कर देना है। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, तो यहाँ पे आपको हाईएस्ट क्वालिफिकेशन डालना होगा। तो मेरा ग्रेजुएशन है तो मैंने ग्रेजुएशन डाल दिया है। आ जो यहाँ पे जो क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है क्या, मैट्रिक, तो मैट्रिक हो गया। फिर आइए यहाँ पे देखते हैं कि आगे क्या भरना है हम लोग को। यहाँ पे स्टेट डाल दीजिए, तो पास हैं तो आपका स्टेटस पास डाल दीजिए, तो मैट्रिक का डालना है यहाँ पे, पासिंग ईयर 2014 बिहार, स्कूल एग्जामिनेशन परसेंटेज कितना है, तो परसेंटेज आप डाल दीजिएगा। तो मेरा परसेंटेज था 61.8 है, 8 था। और सी जी ए नहीं डालना है, अगर आपका कोई बोर्ड का है तो आप ये डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पे कह रहे कि आप अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन आयोग को यस करना चाहते हैं, अगर किसी तरह कोई आपको सर्विस प्रोवाइड कराया जाए तो इसके लिए आप यस या हाँ कर सक ना कर सकते हैं। अगर यस चाहिए तो कर दीजिए, मान लीजिए कोई सर्विस हुआ आपके लायक तो वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर यहाँ पे देख लीजिए ये है ईमेल आईडी अपना डालना है, ये सब पहले से मेरा डाला हुआ है तो मैंने ये सब डाल लिया है। यहाँ पे अब हमको क्या करना है, फोटो, यहाँ फोटो कर रहा है 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए, देख लीजिए, तो आपको फोटो 20 से 50 KB के बीच में डालना होगा। अब फोटो आपका 23 दिसंबर 2021 तक का होना चाहिए, उससे पहले का होना चाहिए बाद का नहीं, और जो भी इसका साइज है 20 से 50 KB। आइए हम अपना फोटो अपलोड कर देते हैं इसमें। तो मैंने अपना फोटो ले लिया, तो मेरा फोटो आ गया यहाँ पे। फिर सिग्नेचर यहाँ पे डालना है, तो सिग्नेचर का साइज देख लीजिए कितना है, सिग्नेचर का साइज यहाँ पे है 10 से 20 KB, तो आपको 10 से 20 KB ही डालना है। तो मैंने अपना सिग्नेचर भी ले लिया है 10 से 20 KB। फिर आगे चलिए देखते हैं, कहता कि आपने अपना फोटो 23 दिसंबर 2021 के बाद लिया है या उससे पहले लिया है, अगर पहले लिया है तो यस कीजिए, और बाद में लिया है तो नो कीजिए। फिर यहाँ पे आपको आई एग्री पर डालकर यहाँ पे कैप्चर डाल देना है। कैप्चर डालने के बाद आपको क्या करना है, प्रीव्यू पर जाइएगा। प्रीव्यू पर क्लिक करते ही आपके सामने आपका ये सब जितने भी डिटेल्स है सब डिटेल्स आ जाएगा, और ये डिटेल्स आने के बाद कुछ छूटा होगा
तो आपको वहाँ पे दिखा देगा, रेट दिखाएगा। अगर नहीं छूटा होगा तो आप यहाँ से, अगर कोई गलती हुआ है चाहे कोई चीज़ छूटा हुआ है, तो यहाँ से आप मॉडिफाई, एडिट मॉडिफाई पर कर लीजिएगा, और नहीं तो आप यहाँ सबमिट पर डाल दीजिएगा। तो हम एक बार और देख लेते हैं कि कोई छूटा तो नहीं है कुछ। तो मेरा तो लगभग लगभग सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ। कह दो कि यू कैन नॉट एडिट आफ्टर फाइनल सबमिशन, सो चेक ऑल डिटेल्स केयरफुली, क्लिक ओके इफ यू वांट टू सबमिट। कह दो कि एक बार फाइनल सबमिशन के बाद आप एडिट नहीं कर सकते हैं, तो ध्यान से अपना पूरी डिटेल्स देख लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि सबमिट करना तो ओके दबाइए। तो मैं, आप वहां से ओके कीजिएगा। प्रिंट करने के बाद आपको फिर से लॉगिन करना होगा पेमेंट के लिए। तो यहाँ पे आप लॉगिन कीजिएगा अपना डिटेल्स, फिर से आपका वही एप्लीकेशन वाला विंडो खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपका आप एप्लीकेशन हिस्ट्री देखना है, तो आप देख लीजिए कि आपने कौन कौन सा फॉर्म भरा है। तो यदि आपने अभी का फॉर्म भरा होगा तो ये हवलदार वाला यहाँ पे दिख रहा है, ये आपको दिखेगा हवलदार वाला। तो ये हो गया। फिर यहाँ पर मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपको कोई रिजल्ट विजल्ट होगा, उसका मार्क्स देखना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हमें फिलहाल क्या करना है, हमें क्या करना है, पेमेंट करना है। मान लीजिए कि आपको पता करना है कि आपका एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है, तो आप यहाँ पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। तो मेरा प्रोविजनली एक्सेप्टेड है। पेमेंट स्टेटस क्या है, तो पेमेंट स्टेटस मेरा फ्री है, मतलब कि मेरा VH है, इसीलिए एग्जेम्प्टेड है। यहाँ पे मल्टीटास्किंग है, हवलदार और CBI वाला है, 2021 वाला है, उसी को भरा था। तो अगर आपको भरना है, मतलब कि आपको पेमेंट करना है, तो यहाँ पे पेमेंट क्लिक कीजिएगा। आप पेमेंट पे क्लिक कीजिएगा तो मेरा तो ये एग्जेम्प्टेड है, तो मेरा नहीं शो कर रहा है। पर आपका OBC होगा, UR होगा, ST होगा, तो केवल यहाँ पे OBC UR के लिए यह पेमेंट लेता है। तो यदि आप OBC UR से हैं तो आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं ऐसे। तो मान लीजिए वहाँ पे आपने अपना पेमेंट कर लिया। अगर आप फिर से आप अपना एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रिंट पर क्लिक करके आप अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। देख लीजिए मेरा फिर से वहीं आ गया। अभी मैं इसको नहीं डाउनलोड करूँगा क्योंकि मैंने अपना ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आपको, हम मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।